अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 15 और लेक्चर नंबर 28 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि लॉजिक्स क्या होते हैं और लॉजिक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी आर्गूमेंट या सेंटेंस, मतलब हमारे पास कुछ फैक्ट्स गिवन हो और उन फैक्ट्स के ऊपर जो कंक्लूजन या रिजल्ट जनरेट किया गया है, क्या वो रिजल्ट या कंक्लूजन जो है वो वैलिड था या नहीं, या वैलिड है या नहीं, तो हम लॉजिक उसमें यूज़ कर रहे थे। लॉजिक्स में हमने ये देखा, हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, उसके दो टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक में हमारे पास ट्रुथ टेबल पे हमने एग्जांपल किया कि फर्स्ट टेक्निक जो है वो ट्रुथ टेबल है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी हमने जाना कि एंड और नॉट एक्सोर वगैरह क्या होते हैं। तो खासकर ये जो लॉजिक रूल्स हैं उसमें से हमने कहा कि दो टाइप्स हैं, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप की प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो है उसमें एग्जांपल भी सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। इस लेक्चर में हम दोबारा से एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें हम लॉजिक अप्लाई करेंगे कुछ और आर्गूमेंट या स्टेटमेंट्स के ऊपर, और हम लोग ये वैलिडेट करेंगे जो रिजल्ट या कंक्लूजन जनरेट हुआ है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, क्या वो सही है या गलत, मतलब वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये हम देखेंगे दोबारा से ट्रुथ टेबल के ऊपर, एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है, इफ ज़िया वाज असैसिनेटेड देन ज़िया इज़ डेड। तो ये हमारे पास आर्गूमेंट नंबर वन है, जिसे हम लोग फैक्ट या प्रेमिस वन भी बोलते हैं। सेकेंड आर्गूमेंट है ज़िया इज़ डेड, ये हमारे पास सेकेंड फैक्ट या प्रेमिसेस है, और कंक्लूजन इसका ये है कि देयरफॉर ज़िया इज़ असैसिनेटेड। तो ये जो कंक्लूजन है ये हमने वैलिडेट करना है कि वेदर दैट कंक्लूजन या जो रिजल्ट है इज़ अ वैलिड आर नॉट। कैसे करेंगे, ये सिस्टम करेगा विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर से मूव कर रहे हैं। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है, हमने प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि स्टेप नंबर वन ये है कि आप लोगों ने इन सेंटेंसेस या जो आर्गुमेंट्स अवेलेबल हैं इनको कन्वर्ट करना होगा वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने एक लिया वेरिएबल जेड, या कह सकते हैं लेटर जेड और डी। जेड को मैं डिनोट कर रहा हूँ ज़िया वाज असैसिनेटेड, जेड यहाँ से डिनोट कर रहा हूँ, और देन ज़िया इज़ डेड को मैं डिनोट कर रहा हूँ डी से। ये फैक्ट नंबर वन है। तो अगर आप फैक्ट नंबर वन देख रहे हैं उसमें हमारे पास एफ और देन अवेलेबल है, तो मैंने कहा था जब भी हमारे पास एफ देन या एफ एल्स अवेलेबल हो, इट मीन के दे हैव यूज्ड द विद इन द सेंटेंस द इम्प्लीकेशन। तो हम इम्प्लीकेशन का सिंबल यूज करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो सेकंड फैक्ट अवेलेबल है वो है ज़िया इज़ डेड। तो ज़िया इज़ डेड को मैंने डिनोट किया डी से, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। तो फैक्ट वन हमारा बनेगा पी इम्प्लीकेशन, जो सिंबल है डी, ये एक बन जाएगा। दूसरा जो बनेगा वो ज़िया इज़ डेड, वो बन जाएगा आपका डी, और जो रिजल्ट है जिसे आप लोग कंक्लूजन बोलते हैं वो है देयरफॉर ज़िया वाज असैसिनेटेड। तो इसको मैंने डिनोट किया था जेड से, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जेड। तो इसको हमने अगर सिंबलाइज फॉर्म में लें तो वो आपका बनेगा ज़िया इम्प्लीकेशन, मतलब जेड इज इम्प्लीकेटेड डी। डी हमारे पास सेकंड फैक्ट है, और थर्ड जो हमारे पास नज़र आ रहा है वो वेरिएबल जो है वो कंक्लूजन है। तो इस कंक्लूजन को हमने वैलिडेट करना है। नाउ लेट्स सी, ट्रुथ टेबल पहले बनाएंगे कैसे, वो आपको मैं बता चुका हूँ। हमारे पास ट्रुथ टेबल का फार्मूला है 2^n, n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल। तो हमारे पास वेरिएबल दो यूज़ हुए हैं, तो 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो इट मीन 4 हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगी। तो टेबल ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो 4 आ गए। मैपिंग हमें पता है कि डबल ट्रू देन डबल फॉल्स देन ट्रू फॉल्स एंड सो ऑन। इम्प्लीकेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट वे जो है वो है हम जेड का नॉट लेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जेड का नॉट लेंगे और डी के साथ उसका और फाइंड करेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम किया मैं दोबारा से करता हूँ। लेट से यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने अगर अप्लाई किया नेगेशन तो ये बन जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है।
और इन दोनों का अगर हम और लें, और ऑपरेटर आई होप सबको पता है, तो वो बनेगा ट्रू एंड सॉरी फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। इसका अगर हम लोग लें निगेशन तो वो बन जाएगा फॉल्स, और इन दोनों का जो और बनेगा वो बनेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स आ रहे हैं। इसका अगर मैं निगेशन लूँ तो वो बनता है आपका ट्रू। दोनों का अगर हम और ले लें तो वो, क्योंकि दोनों ट्रू आ रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ से अगर लास्ट वन का मैं निगेशन लूँ तो फॉल्स है ये ट्रू बन जाएगा, और दोनों का अगर हम और लें, ये दरमियान में जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये और ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पर गिवन है इस फार्मूले में, तो ट्रू एंड फॉल्स, तो हमारे पास रिजल्ट बनता है ट्रू। तो ऐसे आपका ये इम्प्लीकेशन फाइंड हो जाता है। अब मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट कॉलम आपको नज़र आ रहा है, मतलब अगर आप ये, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है आर्गुमेंट, दिस इज़ प्रेमिस नंबर वन जो कि ये वाला है वन, दिस इज़ प्रेमिस नंबर टू जो कि ये वाला आपका है मतलब टू, और ये जो जेड है दिस इज द कंक्लूजन। तो ये हमने फाइंड करना होगा कि वेदर द रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब वैलिड और इनवैलिड। तो यहां पर मैंने जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपका एक थर्ड टेबल बनाया था, ट्रू टेबल सिंप्लीफाई फॉर्म में, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इसमें आपका सिर्फ कन्वर्जन किया कि आपका जो वेरिएबल वन है, वेरिएबल टू जो है, और प्रेमिस वन और प्रेमिस टू ये आपको शो करवाए हैं। अब प्रेमिस टू अगर आप देख रहे हैं इट इज़ नथिंग बट डी, तो मैंने यहाँ इसको यहाँ से पिक करके यहाँ लिख दिया ताकि हमें आसानी हो, क्योंकि यहाँ तक तो टेबल में ऑलरेडी बना चुका था यहाँ तक। अब ये जो वेरिएबल नंबर वन है इसको, क्योंकि हमारे पास ये कंक्लूजन है तो अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक ये मैंने ड्रॉ किया कि आपका ये वन बन रहा है, ये टू बन रहा है, और ये नंबर थर्ड आपका बन रहा है, जैसे आपका यहाँ पर गिवन है नंबर वन नंबर टू और कंक्लूजन। तो अब यहाँ पर हमने ये देखना है अकॉर्डिंग टू द डिसीजन, जैसे मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ कि डिसीजन हम कैसे लेंगे, कंक्लूजन को हम कैसे वैलिडेट या इनवैलिड को डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने कहा था आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द रूल कि अगर हमारे पास कंक्लूजन में अगर कोई फॉल्स आ रहा है, कोई भी फॉल्स आ रहा है, और उस फॉल्स में जो कंक्लूजन में से फॉल्स जो प्रेमिस नंबर वन और टू आ रहे हैं, अगर वो दोनों ट्रू आ रहे हैं, प्रेमिस नंबर वन और टू दोनों ट्रू आ रहे हैं और कंक्लूजन में फॉल्स आ रहा है, इट मीन कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं इनका जो कंक्लूजन है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस वो इनवैलिड है। कैसे इनवैलिड है, जैसे मैंने आपको बताया हम ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जैसे रो नंबर थर्ड में आपको नजर आ रहा है कि प्रेमिस नंबर जितने भी प्रेमिसेस हैं वो ट्रू आ रहे हो और कंक्लूजन में हमारे पास फॉल्स आ रहा है, तो इट मीन आप समझ जाएं कि हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं आर्गुमेंट्स हैं उसका कंक्लूजन जो है वो इनवैलिड है, जैसे आपके पास यहाँ पर आ रहा है। प्रीवियस में भी हमने सेम टाइप ऑफ ट्रू टेबल किया था, उसमें भी आपका जो एग्जाम्पल डिफरेंट है लेकिन ट्रू टेबल ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो कंक्लूजन भी आपकी सेम बन रही है। इफ ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू एंड द रिजल्ट इज फॉल्स देन द कंक्लूजन इज इनवैलिड, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है हमने कंक्लूड किया कि रिजल्ट इज इनवैलिड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अनदर आर्गुमेंट प्रूव इट इट्स वैलिडिटी। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपके पास वेरिएबल आपकी गिवन है और मैंने वो सिंप्लीफाई जो आपका ट्रू टेबल है वो मैंने बना दिया। इस वेरिएबल का मतलब ये है मैंने उससे वो आर्गुमेंट्स जो है ना, ये आर्गुमेंट से मैंने वेरिएबल बना के डायरेक्टली किया ताकि हमारे पास नंबर ऑफ स्लाइड्स कम हो जाए। लेट्स से इसका मतलब ये है पी आर क्यू और नॉट पी, रिजल्ट में क्या कर रहा हूँ क्यू। अब प्रेमिस नंबर वन, प्रेमिस नंबर टू और ये कंक्लूजन, लेट से वो कह रहे हैं आज या तो मंडे है या ट्यूसडे है, ये फैक्ट नंबर वन आ गया। फैक्ट नंबर टू कह रहा है कि आज मंडे नहीं है, तो अगर आज मंडे नहीं है तो रिजल्ट में उसने क्या जनरेट किया कि आज ट्यूसडे है,
आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स सी, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो फिर से लेट्स से मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, तो वेरिएबल नंबर वन का यहाँ पर बन रहा है, वेरिएबल नंबर टू, यहाँ तक आपका ट्रुथ टेबल तो बड़ा आसान तरीके से बन जाता है, जैसे मैंने प्रीवियस बनाया था के पी एंड क्यू, आपके पास 2^2, तो 4 रोज बनेंगे, ठीक है, डबल ट्रू डबल फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब पी और क्यू है और हमें पता है ट्रू ट्रू टू ट्रू, एक ट्रू आ रहा है तो सारे ट्रू हो जाएंगे, दो एक ट्रू आ रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स आ रहे हैं तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अब हमारे पास ये है प्रेमिस नंबर वन जो कि यहाँ पर गिवन है, प्रेमिस नंबर टू, अब इसका हमने प्रेमिस नंबर टू निकालना है, नॉट पी, तो नॉट पी हम लोग निकालेंगे यहाँ से, नॉट पी यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप यहाँ इस लाइन में देख रहे हैं तो नॉट का मतलब यहाँ ट्रू है तो वहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ट्रू है तो वहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो वहाँ ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो वहाँ ट्रू। तो आई होप आपने इसको फॉलो किया। और हमारे पास जो कंक्लूजन है वो है क्यू, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने सिर्फ यहाँ से पिक करके वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब यहाँ प्रेमिस नंबर वन, प्रेमिस नंबर टू या फैक्ट नंबर वन, फैक्ट नंबर टू, कंक्लूजन गिवन है। डिसीजन उसी तरह लेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन में फॉल्स हो, या लेट से उल्टा लेके चलते हैं इसको, अगर हमारे पास प्रेमिसेस में दोनों ट्रू आ रहे हैं, लेट से ये दोनों हमारे पास ट्रू आ रहे हैं, बाकी इसमें दो ट्रू नहीं आ रहे, उसके सामने अगर आपके पास उसी रो में अगर आप देखें वहां हमारे पास अगर फॉल्स है तो इट मीन इनवैलिड, लेकिन अगर ट्रू है तो इट मीन वैलिड। तो यहाँ हमारे पास इस प्रेमिस में सिर्फ दो ट्रू यहाँ इस रो थर्ड में नजर आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो कंक्लूजन है वो ट्रू आ रहा है। तो इससे प्रीवियस जो हमने दो एग्जाम्पल किए वहां पर फॉल्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इस थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास ट्रू आ रहा है, इट मीन हमारे पास जो कंक्लूजन है वो वैलिड है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आज मंडे है या ट्यूसडे है, आज या मंडे है या ट्यूसडे है, ये फैक्ट नंबर वन था। फैक्ट नंबर टू में कह रहा है कि हमारे पास आज मंडे नहीं है, तो ये तो बात बिल्कुल सिंपल होगी, अगर आज मंडे नहीं है तो ट्यूसडे होगी, इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट है हमारी कैलकुलेशन मुताबिक और सिस्टम की कैलकुलेशन के मुताबिक वो दोनों हमारे पास, सॉरी जो कंक्लूजन है वो ट्रू आ रहा है, मतलब वैलिड आ रहा है। सो हम कह सकते हैं द ट्रुथ टेबल प्रूव्स दैट द वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट फॉर्म बीइंग द टेस्ट्स, जो हमने इसकी टेस्टिंग करवाई अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल, वो हमारे पास ये टेबल और ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आ रहा है। तो आई होप आपको इन दो एग्जाम्पल की भी समझ आ गई होगी, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल को वैलिड किया और दूसरे को इनवैलिड करवाया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो आई होप आपको इसकी इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह।